आज प्रयागराज में अतिवृष्टि के कारण जो है गाँव में से लेकर शहर तक भयंकर बारिश का नज़ारा, यहाँ कोंधियारा बाज़ार मुख्यालय का ये नज़ारा है जहाँ पर पानी की वजह से दुकानदार परेशान हैं। आप देख सकते हैं पानी इनके गोदाम तक गया है, अंदर से पानी निकाल। की शेरवानी है, बारिश से क्या नुकसान हुआ आपको? हमें बारिश से बहुत नुकसान हुआ, हमारे नीचे सारी कापी किताबें भीग चुकी हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे पानी निकालने की। हम बहुत परेशान हैं, कब से व्यवस्था कर रहे हैं पानी निकालने की, अब प्रयास कर रहे हैं, अंदर से बहुत पानी भरे हुए, आधे पैर तक पानी भर चुका है, बहुत परेशानी है, सारे कापी किताबें भीग चुकी हैं, बस सब वही व्यवस्था। समस्या क्या होती है? नाली उली की खुदाई आप लोगों ने किसी से शिकायत की है या मांग की कि यहाँ पर नाली बनाई जाए? हाँ, मांग की गई है, बहुत लोगों ने मांग की है, सारे दुकानदारों ने मांग की है, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई कुछ कहा नहीं गया है, कोई कुछ बताया नहीं गया है इस बारे में। प्रयाग न्यूज कोंधियारा आपके सामने, आपने देखा कि दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं, हम लोग हमेशा जो है इस तरह के दिक्कतों का सामना करते हैं, हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का बन चुका है कि थोड़ी सी भी बारिश ये परेशान करती है। आइए हम आपको बात कराते हैं अन्य व्यापारियों से। आपका नाम? भैया मोनू पांडे। मोनू पांडे जी, क्या हमेशा आपको बारिश में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ भैया, ये तो हमेशा की हम अपने वीडियो के माध्यम से या फिर ग्राम प्रधान को की नाली की व्यवस्था की जाए। हाँ, हम तो अब ग्राम प्रधान से कहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि बन जाएगी। इसका मतलब बरसात में खुदाई हुई है नाली की कभी? नहीं नहीं भैया, नहीं हुई है। या और ये मुख्यालय का गांव है जहां पर सड़क होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कोई नाली का इंतजाम नहीं, लगातार यहां पर पानी भरा हुआ है, लोग अपने आप पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, घरों से पानी निकाल रहे हैं। प्रयाग न्यूज कोंधियारा।